नमस्कार, न्यूज ऑल इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। ज़कात फाउंडेशन के ऊपर लगी चमचमाती हुई पन्नी को न्यूज ऑल इंडिया ने उतार दिया। आज हम एक बहुत अहम खुलासा करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस चालाकी के साथ इस फाउंडेशन ने रोहिंग्याओं को दिल्ली की कई जगहों पर बसाने की भरपूर कोशिश की, साजिश की। इस पूरी साजिश को हम पूरी क्रोनोलॉजी के साथ आपको समझाएंगे, आपको समय बताएंगे, जगह भी बताएंगे कि किस चालाकी के साथ ये पूरा गेम खेला गया। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि रोहिंग्या है कौन और उनको बसाने की कोशिश क्यों की जा रही है। देखिए, रोहिंग्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने कहा है कि रोहिंग्या इस देश के लिए खतरा है, रोहिंग्या कई आतंकी संगठनों के साथ संपर्क में है। ऐसा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था। लेकिन कुछ लोग इन घुसपैठियों की हमारे सिस्टम में जगह बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कहीं मानवतावाद का हवाला दिया जा रहा है तो कहीं ये कहा जा रहा है कि 130 करोड़ लोगों के इस देश में क्या सिर्फ कुछ हजार रोहिंग्या नहीं रह सकते। इन सभी के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से धर्म के चश्मे में चमकती दुनिया देखते ज़कात फाउंडेशन ने किस तरह से इस देश के सिस्टम में सेंध मारी, किस तरह से चालाकी के साथ रोहिंग्याओं की भारत के अंदर पैर जमाने में इस फाउंडेशन ने मदद की। तो ज़कात फाउंडेशन ने दिल्ली में कुछ प्राइम जगहों पर रोहिंग्याओं के लिए मेकशिफ्ट कैंप बनाए और उन कैंपों को नाम दिया दारुल हिजरात। अब आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं 15 अप्रैल 2018 की। दरअसल 15 अप्रैल 2018 को संदिग्ध रूप से इन्हीं मेकशिफ्ट कैंप में आग लग जाती है। आग कैसे लगी ये कोई नहीं बताता, और कहते हैं ना कि हाव भाव से बहुत कुछ पता लग जाता है। तो ऐसे में आग लगने वाली जगह पर जो लोग खड़े हैं उनको देखिए, और बड़े ध्यान से देखिएगा उनके हाव भाव। देखिए, बिल्कुल शांत आराम से खड़े हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई परेशानी नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं। अब अचानक से अगले ही भोर ज़कात फाउंडेशन एक प्लान और एक मैप जारी करता है। मैप में नजर आता है कि ज़कात फाउंडेशन रोहिंग्याओं के लिए एक बढ़िया सी कॉलोनी बनाने जा रहा है। इसका सीधा संबंध वो पहले दिख रही तस्वीरों से है, जहां पर हाव भाव बिल्कुल सामान्य थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी परेशानी के अंदर खड़े हैं। ये पूरी कॉलोनी या सोसाइटी कह लें जो मैप में दिखाई दे रही है, इनमें मस्जिद होंगी और ज़कात का दफ्तर भी होगा। अब मैप जारी करने के कुछ दिन बाद ही वहाँ काम भी शुरू हो जाता है। ज़कात फाउंडेशन रोहिंग्याओं के लिए कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि ज़कात फाउंडेशन का कहना है कि इसके लिए उन्हें गृह मंत्रालय, ध्यान से सुनिएगा, गृह मंत्रालय से अनुमति मिल चुकी है। ऐसा उन्होंने कहा था। ये सब कुछ हो रहा था 2018 में। और मैं आपको बता दूं कि इस सब कहानी की शुरुआत के पहले दिन से ही इस सब को ज़कात फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट एसएम शकील देख रहे थे, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट के इंचार्ज भी थे। ज़कात फाउंडेशन पहले दिन से ही रोहिंग्याओं को इस्लामिक उपदेश सिखाना व पढ़ाना कर चुका था। इसके लिए बाकायदा मौलवियों को वहां रोहिंग्या बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा था। साथ में जो तस्वीर दिख रही है ये है गॉड ग्रेस पब्लिक स्कूल की, जिसका संबंध ज़कात फाउंडेशन के प्रेसिडेंट से है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि रोहिंग्याओं की बसावट ज़्यादातर सेंसिटिव जगहों पर करी गई। आप पूरे प्लान को एक बार समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले जहां पर इनको रखा जाता है वहां पर आग लग जाती है। आग लग जाने के चंद समय बाद ही वहां पर क्या होता है, प्लान बनाया जाता है, कॉलोनियों में बसावट की तैयारियां शुरू होती हैं। तीसरी चीज़ देखिए कि जिस प्लान में जो बसावट बताई गई है उसमें वहां पर सेंसिटिव इलाके शामिल हैं। ठीक है, सेंसिटिव इलाके समाज शामिल हैं, आप वहां तक समझ गए। और ज़्यादातर सोसाइटियों को ऐसी जगहों पर सीधे सीधे प्लान किया गया जिसमें शाहीन बाग मुख्य है। इसके साथ ही कालिंदी कुंज, विकासपुरी और खजूरी खास। जी हाँ, खजूरी खास, ये भजनपुर का वही खजूरी खास इलाका है जहाँ CA NRC के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस चौकी को जला दिया गया था और साथ ही घरों में भी आग लगा दी गई थी, पत्थरबाजी हुई थी और खूब हिंसा हुई थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि CA NRC के दौरान हुए दंगों में रोहिंग्या भी बड़ी तादाद में शामिल थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये पूरा जो सिलसिला सरकार की नाक के नीचे चलता चला आ रहा है, इसमें अब दोष किसको दिया जाए, क्या कर रही है केंद्र सरकार और ये सिक्योरिटी अपैरेटस। मैं बताता हूँ, ये दरअसल ज़कात फाउंडेशन को ग्रीटिंग कार्ड भेजने में व्यस्त है और उस तरह की प्रेजेंटेशन भी अटेंड की जा रही है कि जहाँ पर एक स्पेसिफिक रिलीजन का नाम लेकर उनको लिंचर बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो लोग लिंचिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ रोहिंग्याओं को भड़काया भी जा रहा है।
दिलचस्प बात यह है कि जब ज़कात फाउंडेशन को लगा कि शायद वो जो कुछ कर रहे हैं वो एक्सपोज हो सकता है, तो ऐसो में उन्होंने क्लेरिफिकेशन जारी करते हुए लिखा है कि सरकार अगर चाहेगी तो वो रोहिंग्याओं को होस्ट करना बंद कर देंगे, लेकिन जब तक सरकार नहीं कहती वो रोहिंग्याओं को होस्ट करते रहेंगे। और उनके इस क्लेरिफिकेशन से तो ऐसा लगता है जैसे सरकार को भी इससे कोई दिक्कत नहीं। रोहिंग्याओं को अगर देश के तरीके में प्लांट करने की जो कोशिश की जा रही है उसको रोकना बहुत जरूरी है। इसके पीछे की वजह बताते हैं। कुछ दिनों पहले एक पत्रकार ने कहा था कि यहाँ पर प्रशासन के बीच इन लोगों को प्लांट करने के लिए कुछ एजेंसियां बकायदा काम कर रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे कई लोगों ने उनके इस प्रोग्राम को बंद करा दिया और उस प्रोग्राम को वहीं पर रोक दिया गया। लेकिन उनके प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कुछ तो था, क्योंकि अगर धुआं उठा है तो कहीं चिंगारी तो जरूर रही होगी। और वो चीज़ें निकालने के लिए हमने रिसर्च की, और रिसर्च में ये जो चीज़ें निकल कर सामने आई, मेरे सामने देखिएगा, ये ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की फंडिंग है। ये ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की फंडिंग है जिसमें आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकम लिखी हुई है और स्पेंडिंग भी लिखी हुई है। उसके साथ ही स्टेटस बता दिया गया है कि अप टू डेट है। इसमें सबसे गौर करने वाली बात जो है वो ये है कि लिखा हुआ है एम्स एंड एक्टिविटीज, मतलब इनके तौर तरीके और इनका एम क्या है, इनका लक्ष्य क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है द चैरिटी हैव एमार्क्ड द प्लॉट ऑफ लैंड मेजरिंग 1100 स्क्वायर मीटर्स इन न्यू दिल्ली। मतलब इन्होंने 1100 स्क्वायर मीटर की जमीन खरीदी न्यू दिल्ली। अब आप सोचिए एक संस्था के लिए 1100 स्क्वायर मीटर की जमीन खरीदना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन्होंने डोनेशन का सीधा सीधा इस्तेमाल जमीन खरीदने में किया। एंड एज अकोमोडेटेड 220 रोहिंग्या रिफ्यूजीज देयर, मतलब वहाँ को 220 रोहिंग्याओं को रखने के लिए इस संस्था ने वहाँ पर ज़मीन खरीदी, इस संस्था ने वहाँ पर 220 रोहिंग्याओं को बसाने की कोशिश की। इसके बाद आपको बता दें कि दिस इज़ नोन एज दारुल हिजरात, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसमें बाद में आग लग जाती है रहस्यमयी ढंग से। और उस आग लगने के बाद क्या कुछ होता है, प्लान्स होते हैं, बसावटों की तैयारियाँ होती हैं, कॉलोनीज बनाने की कोशिश की जाती है जो कि दरअसल घुसपैठी हैं उनके लिए। इसके साथ ही आगे देखिए, आपको आगे समझ में आएगा कि एक पत्रकार जब एक प्रोग्राम कर रहा था तो उसको जब बंद करा दिया गया उसमें वो कहना क्या चाहता था। इसमें सीधे सीधे देखिए, अनदर सिमिलर प्रोजेक्ट, मतलब ऐसा ही एक और प्रोजेक्ट है, हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन बहराइच, यूपी के बहराइच में एक ऐसे ही प्रोजेक्ट है, उस पर काम किया जा रहा था। चैरिटी विल बी बिल्डिंग द सर सैयद कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर, एक कोचिंग सेंटर एंड गाइडेंस सेंटर बनाया जाएगा जो कि सिविल सर्विसेज, सीधे स्पेसिफिक नाम दिया गया है सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली टू अकोमोडेट एंड कोच 500 फेलोज। यहाँ पर गौर करिए, बच्चों को पढ़ाने की बात नहीं की गई है, बच्चों को शुरुआती शिक्षा देने की बात नहीं की गई है, बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेजने की बात नहीं की गई है। यहाँ पर बात की गई है तो सिर्फ ये कि सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के लिए इन लोगों ने यहाँ पर अपने बाकायदा प्रोजेक्ट्स बनाए। देखिए दो प्रोजेक्ट्स की बात की गई, पहला प्रोजेक्ट था कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को 220 रोहिंग्याओं को किस तरीके से यहाँ पर उनकी बसावट कराई जाए, उनके लिए बकायदा लैंड खरीदी गई 1100 स्क्वायर मीटर, वहाँ पर लैंड खरीदी गई, वहाँ पर इन लोगों को बसाया गया। इसके साथ ही दूसरा प्रोजेक्ट क्या था, दूसरा प्रोजेक्ट था कि यूपी के बहराइच में एक ऐसा कोचिंग सेंटर खोला जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा सर सैयद कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर, जहाँ पर लोगों को सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए प्लांट किया जाएगा, मतलब सीधे सीधे प्रशासन में घुसने की तैयारी है। इसके साथ ही आपको एक बात बता दूं कि ज़कात फाउंडेशन, सिविल सर्विसेज और इन तरह की जब चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें सीधे एक चश्मे से नहीं देखनी चाहिए कि दरअसल वो किसी स्पेसिफिक धर्म से आते हैं, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया है कि स्पेसिफिक धर्म से आते हैं, इसलिए उस नज़र से इसको बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। उसको इस नज़र से देखना चाहिए कि एक्टिविटीज़ क्या हैं। एक्टिविटीज़ बताता हूँ, ज़कात फाउंडेशन के 27 कैंडिडेट्स जो हैं वो UPSC में हैं। इसके साथ ही लिंक क्या है, जाकिर नायक को हर कोई जानता है, जाकिर नायक का जिक्र यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि जाकिर नायक से ज़कात फाउंडेशन का लिंक कैसे है। ज़कात फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं ज़ाफ़िर हुसैन कुरैशी जो हैं वो ज़कात फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, और वो जाकिर नायक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन एंड लॉर्ड प्रोडक्शन के भी डायरेक्टर, सीधा सीधा संबंध निकल आता है। ज़कात फाउंडेशन और जाकिर नायक का ये सीधा संबंध है कि एक जो जहाँ पर ट्रस्टी है वो वहीं पर दूसरी जगह डायरेक्टर भी है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या घोलमेल है। तो अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पर कि देश में प्लांट करने की जो कोशिश की जा रही है तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी बसावट जो है, ये रोहिंग्याओं की जो बसावट है वो सीधे सीधे क्राइम को बढ़ावा देगी। ऐसा मैं नहीं, खबरें बता रही, जहाँ जहाँ रोहिंग्याओं ने पैर पसारे हैं वहाँ वहाँ अपराध बढ़ा है, और ये अपराध देश विरोधी भी होता है। जैसे कि
हालिया मामला बताता हूँ, बांग्लादेश के ढाका का। यहाँ शरणार्थी कैंप में रह रहे रोहिंग्याओं में गैंगवॉर छिड़ गई। गैंगवॉर दक्षिणी बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों शिविरों में हुई। स्थानीय पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक हथियारबंद समूहों के बीच ये गैंगवॉर हुई है। सभी आपराधिक पृष्ठभूमि के बताए जा रहे हैं। इस टकराव के चलते हजारों लोग दहशत में पलायन कर गए। वहीं 8 लोगों के मारे जाने की भी सूचना आ रही है, खबर आ रही है। दिल्ली में दंगों के दौरान भी रोहिंग्याओं की चर्चा हुई थी। रोहिंग्याओं को राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बसाना या बसाया जाना देश के साथ धोखा होगा। वहीं रोहिंग्याओं को यहां बसाने के लिए हद से ज्यादा संवेदना दिखा रहे लोगों को ये कहानियां नहीं दिखती। राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले में इन्हें वापस भेजे जाने की बात की गई है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में जहां जम्मू कश्मीर के एक कैंप में रह रहे 150 से ज्यादा रोहिंग्याओं को वापस ना भेजने की मोहम्मद सलीमुल्लाह की एक PIL का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के तहत इन लोगों को वापस भेजा जाएगा। याद रखिए, PIL को निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों को वापस भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उम्मीद है कि अब केंद्र सरकार देश में अवैध रूप से घुसे रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किए जाने पर आगे बढ़ेगी और बात करेगी। आने वाले दिनों में देश भर में जगह जगह छुपे रोहिंग्याओं की पहचान और धरपकड़ भी तेज हो सकती है, साथ ही उन्हें शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसी के साथ सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ज़कात फाउंडेशन की ही तरह जाने माने वकील प्रशांत भूषण भी रोहिंग्याओं को इस देश में बसाने को लेकर काफी आतुर नजर आते हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा था कि रोहिंग्या समुदाय के बच्चों को मारा जाता है और उनका यौन शोषण किया जाता है। उन्होंने कहा था कि म्यांमार की सेना अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का सम्मान करने में विफल रही है। उन्होंने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि वह रोहिंग्याओं को वापस डिपोर्ट ना करे। अब ऐसे लोगों को यह साफ करना चाहिए कि अगर उनके घर में कोई बाहरी घुस आए जिस पर संदेह हो कि वो उनके घर में कुछ गलत कर सकता है, तो ऐसे लोगों को क्या ये लोग अपने घरों में रखेंगे? नहीं तो फिर क्यों नहीं? ये देश सिर्फ बाउंड्री से पटा कोई क्षेत्र नहीं है, ये हर भारतवासी का घर है। ये देश 130 करोड़ लोगों का घर है। हमारे देश ने बहुत आक्रमणकारी देखे हैं, अब ऐसी घुसपैठ यहाँ नहीं चलेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ बने रहिएगा। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।